हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाइए, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा, सत्य की राह। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप आज की तीन लकी राशियां। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी, और इस समय आप पटना में हमसे मुलाकात कर सकते हैं। दो दिन अभी और हम पटना में रहेंगे, मतलब आज और कल, दिनांक 13 और 14। उसके बाद 15, 16, 17 आप हमसे रांची में मिल सकते हैं, और फिर नागपुर की अपॉइंटमेंट भी शुरू हो चुके हैं। तो अब नागपुर वाले भी तैयार हो जाएं अपॉइंटमेंट लेने के लिए। फिलहाल आइए बताते हैं हम आपको वो तीन भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं, और आज दिनांक 13 जून का लव टिप। पहले आज की तीन भाग्यशाली राशियों की चर्चा कर लेते हैं। वो तीन खास राशियां जिनकी किस्मत के सितारे आज चमकने वाले हैं, वो राशियां हैं, नंबर 3 पर राशि आती है आज की मीन राशि। नंबर 2 पर जो राशि आती है आज की, जिसकी किस्मत के सितारे आज बहुत अच्छे हैं, चमक गए हैं, 2 नंबर पर है कौन सी? मिथुन राशि। 1 नंबर पर टॉप 1 राशि है आज की वृषभ राशि। मीन, मिथुन, वृषभ, आप तीनों को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आज निश्चित रूप से आप परम भाग्यशाली सिद्ध हुए हैं, तो आज का दिन जुए में हार के ना बिताइएगा, शेयर सट्टा लगा के ना बिताइएगा, अच्छा करके बिताइएगा, पॉजिटिव करके बिताइएगा, कुछ बड़ा करके बिताइएगा। मुकदमा, कोर्ट कचहरी, सुलह, पत्नी का मनाना, बच्चे का एडमिशन, ऐसे करके। मीन, मिथुन, वृषभ। चलिए बढ़ते आगे। दिनांक 13 जून का लव टिप क्या है? 13 जून को आज के दिन उन्हें रिझाने और मनाने के लिए 3 चुटकी मिट्टी जमीन से अपने हाथ पे रखिए। अपलक नेत्रों से थोड़ी देर देखते हुए अपने पति या प्रेमी, पत्नी या प्रेमिका का नाम लीजिए, और इसके बाद इसे किसी पेड़ पौधे के नीचे डाल दीजिएगा मिट्टी को। सुबह से लेकर के शाम तक में ये प्रयोग कभी भी दोहराया जा सकता है। जब भी आप इस प्रयोग को दोहराएंगे, निश्चित रूप से आपके लिए एक अलग तरह की शक्ति प्रकृति से निकलेगी, जो आप प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी को एक दूसरे के साथ बांधने लग जाएगी, जो कि पूरी तरह से पॉजिटिव होगी। थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आप लोगों का, ये प्यार बनाए रखिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं हम, और 15, 16, 17 रांची मिलना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय श्री राधे।